कैसे लगेगा, उसके पापा नहीं रहेंगे तो। हाय बेस्टीज, तो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओट मील बिकॉज मुझे आज बहुत सारा काम करना था तो एनर्जी चाहिए थी उसके लिए। बाय द वे इट्स वेरी यमी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रेट दिस 8 out of 10। यमराज आपकी कसम, सच में उस दिन बारिश हो रहा था, मेडिकल बंद था, वरना ऐसी गलती कभी ना होती। इंटरनेट, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाता है, एक्सपोर्ट जो तुम देखना चाहते हो। आज तुम देख लोगे किस प्रकार पेरेंट्स अपने बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए या तो फिर बोलो व्यू बढ़ाने के लिए। लेकिन हद तो तब हो गई, कुछ इन्फ्लुएंसर अपने पिता के दैत को डेथ का यूज करने लगे। हम सिर्फ लंच ही कर सकते, एक ही मील खा सकते हैं, तो मैं साई के पास मैं लंच लेकर गई थी, तो लेट्स ओपन इट और मम्मी ने देखते क्या पैक किया है। और इसमें मम्मी ने पैक किया था मेथी के पराठे और आलू की सब्जी, मुझे बहुत पसंद है। It's good, right? Yeah, it's so yummy. उसके बाद हम कुछ बाहर पीने गए थे और मैंने ये ड्रिंक चूज करी थी बट ये थे नहीं, तो मुझे पिंक लेमोनेड पीना पड़ा जिसका टेस्ट बहुत ही बेकार था। आई रेट इट 2 out of 10, इट वॉज बैड। यस ब्रो, मुझे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है 2022 में ऐसे होगा, लोग अपने बाबा के श्राद्ध के खाने को रेट कर रहे हैं। इतनी शर्म थोड़ा सा भी नहीं है आपको? लेकिन आपको घर वालों ने माना नहीं किया क्या? खैर, तुम जानकर खुश भी होगे और थोड़ा सा हैरान भी होगे। जब दीदी को कुछ यूट्यूबर्स ने क्रिटिसाइज किया और कुछ मीमर्स ने मीम बनाया, इस हरकत के कारण दीदी एक रिप्लाई वीडियो बना दी, तो आओ उसे देखते हैं। Anything I do, I get hate. मैं खाना खाती हूँ तो मुझे हेट मिल रहा है, मैं कुछ भी करती हूँ, अपने पापा के श्राद्ध का रिचुअल शेयर कर रही हूँ and I'm getting hate. Do I care? No, I don't. At least मैं वो क्या नाम उसका थू क्या नाम whatever थू थूकेश पहला बात इसे क्रिटिसिज कहते हैं, हेट नहीं। और घरियाली वासी बहाकर तुम सोच रही होगी एक्टिंग के बदशाह बन गई। ना बाबा ना, मुझे पहले से पता था तुम एक्टिंग कर रही हो, पता है तेरे जैसी को रोना नहीं आता। आई नो तू गवार है, बट तू गवार सोच रही है, कुकू करके बहुत ज्यादा फनी लग रही है ना, तो ज्यादा फनी जनरेटर की आवाज होते हैं। सबके बारे में गलत गलत बातें बोल सकता है, हाउ कैन ही यूज माई फादर पिक्चर्स एंड पुटिंग इमोजी ऑन इट। अगर कैसे लगेगा उसके पापा नहीं रहेंगे तो, कैसे लगेगा उसके पापा नहीं रहेंगे तो मैं सेम चीज करूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं डालूंगी हो देखो इमोजी लगा। ना ही ठगेस ने ना ही कोई क्रिएटर ने घर पे जाके फोटो खींचा वीडियो बनाया, तूने खुद अपने आप से वीडियो बनाई फिर उसको इंटरनेट पे डाली। तुम बोल रही हो लोग मेरे पापा के नाम यूज कर रहे हैं, तेरे जैसा लोग अपने पेरेंट्स के डेथ को टिमेस करते हैं, और तुम क्रिटिसाइज किए जाती थी तो सामने वाले के माँ बाप को तुम गलत बोल रही हो। और कोई तेरी तरह अपने बाबा के हाथ के खाने को रेट करेगा फिर उसको लोग बोलेंगे, और इतनी शरीफ मत बनो। वीडियो तूने डाली थी, सबने भी देखा था उस वीडियो में तेरी एक्सप्रेशन क्या था, और तू अभी क्या बोल रही है। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर दो।